हॉटेस्ट इश्यूज, बर्निंग कंट्रोवर्सीज और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं द टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री के हॉटेस्ट डिबेट शो बॉलीवुड बिग स्टोरी में आपका स्वागत है। और हमारी आज की बिग स्टोरी है हीरोइंस की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनको मिलती सक्सेस और पॉपुलैरिटी। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में हीरोइंस 20 की एज में नहीं बल्कि 30 की एज में सक्सेस पा रही हैं। तो क्या 30 इज द न्यू 20 फॉर बी टाउन? इस मुद्दे पर हम दिखाएंगे आज की बिग स्टोरी। Thirties has become like the 20s. Everyone is looking younger. You know, everyone looks after themselves. क्योंकि लड़कियां अपने आप ही एक तरीके से हार मान लेती हैं कि बस अब तो ढल गई जवानी। लोग भी ऐसा समझने लगते हैं कि क्योंकि अब तुम 30 हो तो मैं तो हो गई बस। 30 means a lot of stability, happiness and comfort zone. Right now, I can't say that I can play that 16-year-old with two pigtails and a miniskirt and dance in the middle of a square again, you know, in London or somewhere. It looked foolish. इसकी ज़रूरत क्या है? Bollywood को चाहिए एक नई डिंपल कपाड़िया बॉबी वाली, जो लॉन्च में स्टार बन जाए एट एज ऑफ 20. The virginal heroine that used to be has changed so much. We moved on from that to the movies, to what the character is and what. Women, 30 is the new 20, even in society and even on cinema. So why should there be any difference? बढ़ती जा रही है बॉलीवुड की हीरोइंस की उम्र, लेकिन इस बारे में चिंता करने की जरूरत ना तो आपको है और ना ही हमारी हीरोइंस को, क्योंकि जैसे जैसे इन हीरोइंस की उम्र निखरती जा रही है उनकी ब्यूटी के साथ साथ उनका काम भी निखरता ही जा रहा है। और 30s की इन हीरोइंस ने शुरू कर दिया है बॉलीवुड में न्यू 20s का ट्रेंड। विद्या बालन 32 साल, करीना कपूर 30 साल, ऐश्वर्या राय बच्चन 38 साल, प्रियंका चोपड़ा 29 साल, बिपाशा बसु 31 साल, रानी मुखर्जी 32 साल। बॉलीवुड की इन हसीनाओं की उम्र को याद दिलाना इन हसीनाओं की उम्र का कोई नया खुलासा नहीं है। इनकी उम्र की तरफ ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि अब जमाना इस 30 साल वाली उम्र का ही तो है। एक मिथ होता था कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म चलती नहीं है। विद्या बालन हैज प्रूव्ड दैट शी इज अ हीरोइन हु इज अ हीरो। शी हैज ब्रोकन दैट मिथ कंप्लीटली एंड आई अप्लॉड फॉर दैट। विद्या, थ्री चीयर्स टू यू। हर किसी की तरह मुकेश भट्ट ने द डर्टी पिक्चर में विद्या के काम की तारीफ की, तो विद्या ने तो बीसियों सालों से बॉलीवुड पर छाए हुए खान्स के ब्रांड को ही चैलेंज कर दिया। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालन लगा दें। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी विद्या की इस फिल्म ने उनका कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ा दिया है क्योंकि व्यूअर्स ने हीरोइंस का काम देखने के लिए अब बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों की टिकट्स खरीदना शुरू कर दिया है। 30 की उम्र पार करने जा रही करीना कपूर को फिल्मों में धड़ाधड़ रोल्स मिल रहे हैं, और तो और वो मधुर भंडारकर की मच अवेटेड फिल्म हीरोइन भी करने जा रही हैं। प्रियंका चोपड़ा को फिल्मों में कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग पड़ी है, तो 30 पार कर चुकी बिपाशा बासु की लीड रोल वाली प्लेयर्स जनवरी में रिलीज होने जा रही है। हाल ही में दिल बोले हड़िप्पा और नो वन किल जेसिका जैसी फिल्मों में रानी मुखर्जी ने बॉक्स ऑफिस पर लोगों की ठीक ठाक भीड़ जुटा ली थी, तो बेटी के जन्म के बाद 38 ईयर्स की ऐश्वर्या राय बच्चन की अगली फिल्म का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इसलिए आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम इसी बात पर डिबेट करने जा रहे हैं कि क्या 30s ही बॉलीवुड में अब न्यू 20s बन चुका है। बढ़ती उम्र के साथ साथ बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए रोल भी बढ़ते जा रहे हैं। जो वैल्यू बॉलीवुड में 20-year-old हीरोइंस की होती थी अब वो 30-year-old हीरोइंस की हो गई। तो वेल, तो क्या 30 इज द न्यू 20? बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने जब ये सवाल बॉलीवुड से पूछा तो शुरू हो गई एक बड़ी डिबेट।
बड़ी डिबेट, बड़ा मुद्दा, बड़ी बहस, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस के रोल बढ़ते जा रहे हैं। बॉलीवुड की सभी टॉप एक्ट्रेसेस या तो 30 इयर्स की हैं या फिर इस उम्र के बहुत करीब। तो क्या 30 इज द न्यू 20? इफ यस देन व्हाई? इन्हीं सवालों को बिग स्टोरी की टीम ने बॉलीवुड के सभी टॉप स्टार्स से पूछा, तो शुरू हो गई एक बड़ी बहस जिसकी शुरुआत कर रही हैं बिपाशा बसु। 30s has become like the 20s. Everyone is looking younger. You know, everyone looks after themselves. You know, it's and also I can say that the prime of a woman is after 30. Uske pehle to aap bacche hi ho. Age is just a number. It's all in your head, and it should not come in the creative business. At least, if somebody is looking good, and if you know, if somebody, you know, you can't like put an age. Ki after this age, you should stop working. बिपाशा मानती है कि एज तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जिस्म जैसी फिल्म में उनका तराशा हुआ जिस्म सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने वाले मुकेश भट्ट इसके बहुत ऑपोजिट हैं। यूथ को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। यूथ का एक अपना एक करिश्मा होता है, एक चार्म होता है, एंड यू कैन नॉट रिप्लेस यूथ। मुकेश भट्ट की माने तो बॉलीवुड को आज भी चाहिए डिम्पल कपाड़िया जैसी हीरोइन। बॉलीवुड की जरूरत क्या है? बॉलीवुड को चाहिए एक नई डिम्पल कपाड़िया बॉबी वाली, लॉन्च में स्टार बन जाए एज ऑफ 20। लेकिन मुकेश भट्ट की बातों को बिल्कुल भी अग्री नहीं किया हजारों ख्वाहिशें ऐसी से हजारों के दिलों में डेब्यू करने वाली चित्रांगदा सिंह ने। चित्रांगदा तो मानती हैं कि अब वक्त बदल चुका है, अब बॉलीवुड को नहीं चाहिए वर्जिन हीरोइन। एज फार एज चेंजिंग थिंग्स, आई थिंक मोर देन मी ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग, द ऑडियंसेस आर चेंजिंग। आई थिंक दे फार मोर एजुकेटेड, आई थिंक देयर पर्सपेक्टिव ऑफ हु द The virginal heroine that used to be has changed so much. We moved on from that to the movies, to what the character is and what we, you know. So all of that has changed so much, and I think that helps. Chitrangada ne bhale hi at the age of 30 Bollywood mein debut kiya ho, lekin ek waqt mein Bollywood ki top actress reh chuki Raveena Tandon manti hain ki wo is umr mein bhi kare silver screen par young girl wale romantic role. Right now, I can't say that I can play that 16-year-old with two pigtails and a miniskirt and dance in the middle of a square again, you know, in London or somewhere. It looked foolish. लेकिन जब बॉलीवुड बिग स्टोरी ने 30 क्रॉस कर चुकी रानी मुखर्जी से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने रवीना के बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज दिए। रानी की माने तो विद एज यू बिकम मोर ग्लैमरस एंड फिट। विद एज यू गेट मोर एंड मोर बेटर लुकिंग, मोर चिजल, मोर इन शेप, मोर कॉन्फिडेंट। सो आई थिंक इट्स ओनली फॉर द बेटर एंड एज इज ऑलवेज इन द माइंड एक्चुअली। I think in your heart, if you feel that you're even 15 years old, you'll always remain 15. 30 years above, still not out. Rani bhale hi above 30 ke baad bhi silver screen par apna damkham dikhane ka dam rakhti ho, lekin ek waqt mein silver screen ki sabse damdar heroine Juhi Chawla to ye manti hain ki no one can replace young generation. No, that's not it. That's not true. Those will never go out. I think you, to be totally fair, it's definitely all the commercial big films must have romance. Mm. I love seeing that. I mean, if I go to a movie, I want to see some lovely young couple up there, and I want to see something that's fun or romantic or just takes me on a trip, and why not? That's mm-hmm. one side of Bollywood that I think will always exist no matter what we say, and is happily there. So well, इस बिग स्टोरी की बिग डिबेट में जुड़ गया एक नया एंगल जब शीला की जवानी से बॉलीवुड में कटरीना की जवानी को दिखाने वाली फराह खान से इस मुद्दे पर बात की गई। आपको नहीं लगता कि 30 के ऊपर की जो औरतें हैं वो अभी धूम मचा रही है? अरे बाबा, मेरी भी पिक्चर आज शुरू हुई है 40 के ऊपर की औरतें। लेकिन इस डिबेट का एक और एंगल तब सामने आया जब टर्निंग 30 जैसी फिल्म्स करने वाली गुलपनाग से इस डिबेट पर बात की गई। गुल की माने तो सिनेमा में 30 इयर्स की हीरोइन ओल्ड इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में 30 years old females को males के comparison में consider किया जाता है older. I think 30 पे a guy is still young. लेकिन society बोलती है कि अगर लड़की 30 हो गई तो मतलब उसकी age हो गई है, क्योंकि अधिकतर लड़कियां 30 साल की उम्र तक पहुँच कर they are married. एक बच्चा तो उनका कम से कम हो चुका होता है, तो उनको लगता है कि बस अब जिंदगी का मेन मकसद है शादी करनी, वो तो हम कर चुके हैं, अब क्या बचा है जिंदगी में। लेकिन मैरिड एंड मदर ऑफ टू चिल्ड्रन काजोल के व्यूज गुल से बिल्कुल ऑपोजिट नजर आए। काजोल की माने तो अब सोसाइटी अपनी हीरोइंस को मैरिड और विद चिल्ड्रन एक्सेप्ट करने लगी है, इसीलिए तो वो अपने सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त खुलेआम घूम रही थी। दिस टाइम अराउंड इट वाज आई मेट अ लॉट मोर पीपल देन आई डिड द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। द लास्ट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट आई जस्ट काइंड ऑफ लॉक्ड मायसेल्फ अप एट होम एंड you know stayed there and I was like I didn't meet too many people.
people and whatever. But this time around, I think I was working till I was 6 months pregnant. And I was back to work after he was born, three months after he was born. So I was just, I've really been out and about in this pregnancy. लेकिन बड़ा मुद्दा तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों है कि अब बॉलीवुड में अबव 30 की एक्ट्रेसेस ही सक्सेसफुल हैं? इसका जवाब हमने डायरेक्टर करण जौहर से भी मांगा. ऐसा कुछ नहीं कि एक्ट्रेसेस जो सिर्फ 30 से ज्यादा हैं वही हिट हो रही हैं. आई थिंक बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. तो आई थिंक मोर पावर टू द वुमेन इन द मूवीज. बहुत सारा अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो कैटरीना हो, करीना हो, प्रियंका हो, दीपिका हो, सोनम हो. करण की माने तो हर एज की हीरोइन सक्सेसफुल हो रही हैं. वेल, ऐसा ही कुछ नेहा धूपिया, अरुणोदय सिंह और अली जफर जैसे बॉलीवुड के बाकी सेलिब्रिटीज का भी मानना है कि एज इज जस्ट अ नंबर. वुमेन 30 इज द न्यू 20 इवन इन सोसाइटी एंड इवन ऑन सिनेमा. सो व्हाई शुड देयर बी एनी डिफरेंस? एज इज जस्ट नंबर माय फ्रेंड. इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट दैट यू हैव एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर वर्क एंड ऑल. आई एम वेरी प्राउड ऑफ पीपल लाइक विद्या बालन और पीपल लाइक यू नो माधुरी टब्बू हु कीप वर्किंग एंड कीप प्रूविंग दैट being an actor is not just about how you look. तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बॉलीवुड में हीरोइन सिर्फ हुस्न का शो पीस नहीं रही. अब बॉलीवुड में उन्हें उनकी एज नहीं बल्कि एक्टिंग के दम पर मिलते हैं रोल्स और सक्सेस. बदल रहा है बॉलीवुड क्योंकि अब हीरोइंस को फिल्मों में सिर्फ ग्लैम डॉल के रूप में नहीं बल्कि प्रोमिनेंट रोल्स में भी देखा जा रहा है. और इसीलिए अब बॉलीवुड में हीरो से ज्यादा हीरोइंस की बल्ले बल्ले हो रही है. लेकिन ये ट्रेंड आया क्यों और कैसे? बॉलीवुड बिग स्टोरी आपको इसकी एक एक डिटेल देगा अपनी नेक्स्ट स्टोरी में. याद कीजिए कुछ सालों पहले की फिल्मों को. इन फिल्मों में हीरोज के तो दमदार रोल होते थे लेकिन हीरोइंस को मात्र शो पीस ही यूज किया जाता था. बरसात के बीच में गाना या फिर रोना धोना. हीरोइंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा एक सपोर्ट के लिए यूज की जाती थी. लेकिन अब बदल गई है बॉलीवुड की फिजा. अब हीरो के साथ कदम से कदम मिलाकर हीरोइन भी अपने दम पर फिल्म को हिट कराती है. अब बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइंस को इनकी एज देखकर नहीं बल्कि एक्टिंग की काबिलियत को देखकर कास्ट किया जाता है, चाहे फिर वो शादीशुदा हो, यंग मदर हो या फिर हो अबव 30. ऐसे में कहना गलत ना होगा कि अब बॉलीवुड हीरोइंस के लिए एज नो बार. बॉलीवुड बिग स्टोरी ने इस बदलते ट्रेंड को लेकर बॉलीवुड की मैरिड एंड अबव 30 सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस से भी बात की. The audiences have changed so much. We need to give them more credit than that. And I think उसी की वजह से आप उसी का एक रिफ्लेक्शन देखते हैं इंडस्ट्री में. Because the audiences are changing, their mindsets are changing. मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में भी बहुत चेंज आया है इन द वे दे परसीव the profession of an actress. Today's day and age, yes, cinema has opened out in such a way that there is work for everybody, whatever generation they might be, whether it's like I said, it's Kajol back again, or it's Madhuri back again, or it's me back again, or it's Lolo back again. I think there's work for everybody, and the whole scenario has changed a little. Actresses ka ye manna hai ki waqt ab badal raha hai aur isiliye Bollywood ki filmon mein heroines ke kirdaar bhi. हमारी बात को प्रूव करने के लिए हम आपको 2011 में आई फिल्मों के रीसेंट एग्जांपल्स भी गिनवा देते हैं. विद्या ने डर्टी पिक्चर में ऐसा दमदार किरदार निभाया कि बॉलीवुड में हीरोइंस की पिक्चर ही बदल गई. मेरे ब्रदर की दुल्हन को देखने के लिए गांव से शहर तक की ऑडियंस अधिकतर कैटरीना को ही देखने थिएटर में गई. तनु वेज मनु में कंगना रनौत की शादी को देखने के लिए ही ऑडियंस का हुजूम उमड़ा. नो वन किल जेसिका में रानी और विद्या के रोल को भी ऑडियंस ने काफी सराहा. साथ खून माफ भले ही कमर्शियली सक्सेसफुल ना रही हो लेकिन फिर भी प्रियंका चोपड़ा की दमदार भूमिका को क्रिटिक्स ने सैल्यूट किया. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब वो दिन चले गए जब हीरोइन की एज ढलते ही उन्हें बॉलीवुड बाय बाय बोल देता था. अब हीरोइन सिल्वर स्क्रीन पर तब तक अपना दमखम दिखा सकती हैं जब तक उनके पास हुनर है. जहां तक रही एज की बात तो अब एज नो बार. ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एट द एज ऑफ 30 हीरोइंस को सक्सेस और पॉपुलैरिटी को पाने के लिए देनी पड़ती है कौन कौन सी कुर्बानियां. यू कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक वेरी सून. Now
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। एज और एक्सपीरियंस की जंग में 30s के पड़ाव को छूती एक्ट्रेसेस कम उम्र की हीरोइंस को मात तो दे देती हैं। लेकिन इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के दौर में मैच्योर एक्ट्रेसेस को काफी कुछ कुर्बान करना पड़ता है। करियर के लिए कैसे सैक्रिफाइसेस हो जाती है इन एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ, बताएगी हमारी ये स्टोरी। लंबे वक्त तक इंडस्ट्री में किया काम भले ही इन एक्ट्रेसेस को सर्वाइव करने का तजुर्बा दे गया, इन्हें ये भी बखूबी पता चल गया कि बॉलीवुड में अपने करियर को टॉप गियर में रखने के लिए किसे गॉडफादर या किसे बॉडीगार्ड बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद इन्हें नंबर वन की पोजीशन पर दावा रखने की बराबर सजा मिलती रही है। फिर भले वो हो करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा या फिर बिपाशा बसु और रानी मुखर्जी, सबको अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्मूथ रखने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। करीना कपूर की प्रेम कहानी में जब वी मेट दो ट्विस्ट लेकर आई थी। एक ने इन्हें शाहिद कपूर से दूर कर सैफ अली खान के साथ ला दिया, तो दूसरे ने करीना को बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया। ये बात बेबो भी बखूबी जानती हैं। तभी तो वो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ यानी सैफ से शादी की बात को हाशिए पर रखती हैं। I'm going through the best phase of my career right now and Saif accepts that and respects that, that you know this is something that I've waited for since I've been a child. Not that I'm worried about anything, but all I know is that time doesn't permit us to kind of decide on when, what, how. जाहिर है सैफ से शादी की तमन्ना खुद बेबो भी रखती होंगी, लेकिन अपने करियर के इस मकाम पर नहीं जब वो बॉलीवुड के तीनों टॉप खान की हीरोइन बन चुकी हैं और यंगेस्ट खान यानी इमरान के साथ एक मैं और एक तू कर रही हैं। तो फिर सिर्फ करीना पर ही अपने करियर के लिए सैक्रिफाइसेस करने की ये तोहमत क्यों आए? भाई नंबर वन की रेस में काफी आगे चल रही कोई भी एक्ट्रेस भला क्यों शादी करेगी? हाँ, शादी की बात करते रहना जरूरी है, जैसे प्रियंका चोपड़ा करती रहती हैं। शादी तभी करनी चाहिए जब आपको बहुत प्यार हो और आप जानते हो कि आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते। The day I get engaged, you'll see a really nice ring over here. मैं चाहती हूँ मेरी शादी सबसे पहले हो जाए। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, शादी के लिए लड़का मिलना चाहिए, बॉयज बॉय नहीं मिला है। एक्सक्यूज तो एक्ट्रेसेस से काफी मिल जाएंगे शादी ना करने के। शादी की बात पर रानी मुखर्जी का दिल भी हड़प्पा जरूर करता होगा, लेकिन दिल की बात रानी के लबों पर आते आते बदल जाती है। Not as yet, but when I do, yes, I will straight get married. अब तो आप भी आदी हो गए होंगे एक्ट्रेसेस की ऐसी बातों के। ऐसे में ये बात समझ लेना भी जरूरी है कि आखिर लंबे वक्त तक एक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी शादी के बाद से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस क्यों बचती फिरती हैं? बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम को ही ले लीजिए। करीब 9 सालों तक दोनों एक रिलेशनशिप में रहे। मीडिया ने जब भी बिपाशा को दुल्हन के लिबास में देखा, शादी की बात जरूर पूछी। Yeah, for sure. I want to fall in love again. Why not? नतीजा, करियर और शादी में से एक चुनने में बिपाशा ने लगता है थोड़ी देर कर दी और जॉन की एग्जिट हो गई उनकी लाइफ से। यानी एक बात तो साफ है, इंडस्ट्री में भले ही मैच्योर एक्ट्रेसेस के एक्टिंग टैलेंट को फिर पहचान मिलने लगी हो, पर शादी करते ही किसी एक्ट्रेस का करियर डूबने का डर आज भी बॉलीवुड का एक बड़ा खौफ है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे जनता की राय, क्या जनता अपनी हीरोइंस को एट द एज ऑफ 30 देखना चाहती है या फिर नहीं। यू कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक वेरी सून। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब जनता से जानते हैं कि वो सिल्वर स्क्रीन पर किस एज की हीरोइंस को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। Age doesn't matter as long as they are good actors. Well, I'm quite happy because the actresses who are like about 30 are in their 30s are getting their due. People लोगों की acting देखने, actresses की acting देखने जाते हैं, so I think so age is not matter about that. See, many people are good actors, so it doesn't matter whether that person is above 30 or is in their 20s. Well, आज Bollywood Big Story में इतना ही। But to be a part of the hottest and most controversial debates on the Bollywood Big Story, log on to facebook.com/zoomtv.in. अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.